अररिया के फॉरविसगंज में दहेज को लेकर ससुराल और मायके वालों में जमकर मारपीट हुई है। मामला भाग कोहलिया का है, जहां पर 10 लाख रुपए दहेज को लेकर पति और उनके परिजनों ने मिलकर पत्नी और साला की जमकर पिटाई कर दी है। खून से लथपथ भाई और बहन को स्थानीय लोगों ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। इस घटना से नाराज विवाहित के परिजनों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं। पीड़ित परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दे दी है। उधर पुलिस की कार्रवाई की खबर लगते ही दहेज के लालची ससुराल वाले फरार हो चुके हैं। हालांकि आरोपी पति के एक रिश्तेदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फॉरविसगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसका बड़ा भाई था, पहले हम दोनों में बातावाती हो रहा था, उसी में थोड़ा सा मतलब अति हाथापाई हुआ। उसमें मेरा बड़ा सा मोटा सा हॉकी स्टिक लेकर के 4-5 टुक लेकर के आया और मेरा भाई को, एगो भाई इसको पकड़ ले है, एगो भाई पकड़ के मार रहा है, जोर जोर से मार रहा है हाथ पैर में माथा में। मेरा पति इसको दांत काट दिया। उसके बाद हम गए छुड़ाने के लिए, मेरा भाई जो हमको मोटा सा थी लेकर कैसे करके दोनों हाथ से जोर से मेरा माथा में मारा। उसके बाद फिर हम अपना भाई को बचाने के लिए बार बार कोशिश किए, बार बार आकर के हमको खेल देता था, धक्का देकर के गिरा दिया। उसके बाद इसको दोनों भाई पकड़ करके दीवार में सटा करके बहुत मार मारा, हमको भी मारा, हमको कंठ दाब करके दिल में सटा दिया। जेठ जी हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट में, उसको जॉब है, वो हमको पहले हम लोग घर आए 3 महीना से मम्मी के यहाँ से आए। उसके बाद हम अपना हमसे बार बार दहेज का मांग करता है, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, कभी 40,000, कभी 30,000, ऐसे कर करके पापा से मांगने के लिए कहता है। हम उसी पे हम मना करते हैं, नहीं हम नहीं मांगेंगे। उस पर हमको गाली गलौज मारपीट करता है, कभी कंठ दाबने लगता है, कभी मारता है ऐसे कि दांत ही लग लग जाता है, कुछ चिल्ला चिल्ला के गाली गलौज देता है, कभी रोड पर खींच करके घर मारा है हमको। उसके बाद क्या नाम है, अभी तलाक मांगता है बार बार, हर चीज़ में बोलता है हमको तलाक दो। मेरे पास प्रूफ है, मैसेज कर करके हमको बोलता है तलाक दो, हमको फ़ोन पे बोलता है। अब दूसरा कोई अथी नहीं है, उसका अफेयर उसकी भौजाई के साथ है। हाँ, वो बात आप जो मार्केट